दवा व्यवसायी अपहरण का एक बहाना था, पहले ही दिन कर दी गई थी हत्या, पुलिस ने किया खुलासा। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से सामने आ रही है। आपको बता दें कि जनपद से जहां पर इटला थूक थाना क्षेत्र के रंगवापुर नायक निवासी लाल मणि विश्वकर्मा जो धानीपुर थाना क्षेत्र के जोगी जोत भट्टे के पास मेडिकल स्टोर की दुकान चला रहा था। 17 मई 2022 की रात्रि लगभग 8:25 पर दुकान बंद करके घर के लिए निकला था। इसी बीच 9:30 बजे उसने अपने घर फोन पर बताया कि उसका अपहरण कर 4 लाख रुपए फिरौती मांगी जा रही है। लोगों ने मारा पीटा भी इतना कहते हुए फोन काटा। आपको बता दें कि सुबह फोन करने के लिए कहा था। इटियाथोक थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ परिजनों ने दर्ज कराई थी मुकदमा। पुलिस जांच में जुटी थी। जगह जगह दवा व्यवसायी लाल मणि का पोस्टर चिपकाए जा रहे थे। चौथे दिन रात्रि गाँव में कुछ दूरी पर छप्पर में रखा भूसे के ढेर से शव को पुलिस ने किया बरामद। पुलिस की नाकामी खुलकर सामने आ रही है। गाँव के ही लाल मणि के दोस्त से पुलिस ने हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछ कर जांच में एसपी ने किया खुलासा। मीडिया से बात करते हुए संतोष कुमार मिश्रा ने एसपी से बताया कि इटियाथोक थाना क्षेत्र के रमवापुर नायक निवासी लाल मणि विश्वकर्मा जो धानीपुर थाना क्षेत्र के जोगी जोत भट्टे के पास मेडिकल स्टोर की दुकान चला रहा था। रात लगभग 8:25 पर दुकान बंद करके घर के लिए निकला था। थाने में अज्ञात मुकदमा दर्ज हुआ था। दवा व्यवसायी की पुलिस ने जगह जगह पोस्टर चिपकाए थे। घटना का अनावरण कर लिया गया। यह एक हत्या की घटना थी जिसमें लाल मणि के दोस्त पड़ोसी नत्थूलाल विश्वकर्मा द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर दिनांक 16/5/2022 की देर शाम इस घटना को अंजाम दिया था। नाथुराम द्वारा लाल मणि को शराब पीने के बहाने बुलाया गया था, जहां पर शराब पीने के दौरान नाथुराम विश्वकर्मा द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर लाल मणि विश्वकर्मा की हत्या कर दी गई व उसका शव अपने मड़हे में छिपा दिया गया था। हत्या के उपरांत नाथुराम ने डायल 112 पर पुलिस को गुमराह करने हेतु लाल मणि के अपहरण की सूचना दी तथा लाल मणि के परिजन के साथ खोजबीन करने लग गया। नाथुराम को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। इस घटना से संबंधित सभी अपराधियों की पहचान कर ली गई, गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही प्रचलित की गई है। जनपद गोंडा में थाना इटियाथोक थाने पर 17 तारीख को एक व्यक्ति लालमणि विश्वकर्मा के अपहरण के बारे में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस घटना का अनावरण कर लिया गया है। यह घटना एक हत्या की घटना थी जिसमें कि लालमणि के ही पड़ोसी एवं मित्र नाथुराम विश्वकर्मा के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 16 तारीख को ही यह घटना कारित कर दी गई थी। पूछताछ में निकल के आया कि 16 तारीख को नाथू ने लालमणि को फोन करके बुलाया था और ये लोग साथ में बैठ के शराब पी रहे थे। शराब पीने के दौरान ही नाथू विश्वकर्मा से अन्य साथियों ने लाल मणि की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद में नाथू ने जो शव को है अपने ही मड़हे में भूसे के अंदर छुपा दिया था। उसके बाद नाथू ने ही 112 पे फोन करके पुलिस को गुमराह करने के लिए सूचना, गुमशुदगी और अपहरण की सूचना दी थी एवं बाद में अगले दिन सुबह थाने पे अपहरण फिरौती के अपहरण की मुकदमा भी पंजीकृत करवाया गया था। इसमें अन्य भी इसके साथी इन्वॉल्व हैं जो कि पुलिस की रडार पे आ चुके हैं। नाथू के साथ साथ इसके सभी साथियों को गिरफ्तार करके जल्दी भेजा जाएगा। इस घटना का पूर्णतया खुलासा हो चुका है। अन्य भी इसके जो तथ्य है वो अन्य साथियों के मिलने पर वो भी क्लियर हो जाएंगे।